राम जन्मभूमि अयोध्या निर्माण होउछि भव्य राम मंदिर। राम मंदिर कार्य वर्तमान अधारु अधिक आरंभ हो सारी। सिंहद्वार चित्र आप देखते कैमरा पर्सन आदित्य कहबी सिंहद्वार चित्र आपको देखा ये हूँ प्रवेश द्वार बा सिंहद्वार। राम मंदिर में बारटी द्वार थे सिंहद्वार हे प्रवेश द्वार बा मुख्य द्वार। ये द्वार देखिपे आठटी सीढ़ी रही सीढ़ी मध्यम ही आपण ऊपर को जी ऊपर ही आरंभ हो नृत्य मंडप। नृत्य मंडप हेउछि भव्य श्री राम मंदिर प्रथम मंडप। एवं ये नृत्य मंडप रे जो अयोध्यार जो कला रही जो कलाकार मानकर कृति रही तृतीय युगर जो नृत्य नृत्य मानकर जो नृत्य रही नृत्य मंडप रे उल्लेख कर। देखिपे नृत्य मंडप कार्य प्रायतः शेष अवस्था आउ मात्र मासे दुई मास भीतरे नृत्य मंडप संपूर्ण कार्य शेष हेब एवं या परे जो प्रथम फ्लोर कार्य जो शेष हेब तापरे प्रथम फ्लोर कार्य शेष होला ढलाई पड़ नृत्य मंडप पर कैमरा पर्सन आदित्य कहबी आपण को नहीं जी सीधा सड़क द्वितीय मंडप बा रंग मंडप। रंग मंडप आप देखिए ये हूँ रंग मंडप प्रवेश द्वार। रंग मंडप प्रवेश द्वार उच्च जो पिलर गुड़िक रही तार अधारु अधिक कार्य प्रायतः शेष होला। दिन राति एक करी जो कारुकार्य माने जो कारीगर माने रही निजर कारुकार्य जारी रखी। ये हूँ रंग मंडप बा द्वितीय मंडप कहुवा राम मंदिर ये हूँ द्वितीय मंडप रंग मंडप जो ये दुई साइड में दुईटी छोट छोट तेरी चौकी रही तेरी चौकी में कार्य प्रायतः शेष अवस्था। एवं रंग मंडप एक गेट एवं से गेट चित्र कैमरा पर्सन आदित्य कह आप देखे ये जो कार्य गुड़ी आप देखते ये समस्त कार्य पत्थर करा जाउछी कौन सी सीमेंट किंबा बाली व्यवहार करा जाउ नाही। संपूर्ण मंदिर जो कंस्ट्रक्शन बर्तमान संपूर्ण पत्थर होंबा कौन सी रड एथेरे व्यवहार करा जाउ नी केवल हल्का जो जॉइंट रे खाली स्थान रहउछी सेठी सीमेंट व्यवहार करा जाउछी। अपन देखि पर्थिबे ये होउछी जो रंग मंडप शेष भाग एठी मार्बल रे जो राजस्थान कह जाउछी राजस्थान रो जो मार्बल रहिछि से मार्बल रे ए गेट कराइछि। ये होउछी सिंहद्वार पर प्रथम गेट रहइबो गर्भगृह पूर्वरु। एवं ये रंग मंडप पर ये जी आप देखिए गुड़ मंडप आरंभ होउछी ये द्वार पर गुड़ मंडप आरंभ हेबो एवं गुड़ मंडप हेउछि गर्भगृहर गर्भगृह पूर्व जी आप कह गर्भगृह पूर्व ये हूँ शेष मंडप अर्थात सिंहद्वार प्रवेश कले ये हूँ तृतीय मंडप एवं गर्भगृहर ठीक पूर्व ये मंडप रही। ये गुड़ मंडप्र उभय साइड आप देखिए तार कार्य प्रायतः शेष होगा बसला मानने प्रथम फ्लोर मुझे देखा या पर द्वितीय फ्लोर तृतीय फ्लोर रवल प्रथम फ्लोर में रामलालांकर जो कार्य रही रामलालांकर जो बाल्य जीवन रही प्रभु श्रीरामकर जो बाल्य जीवन रही प्रथम फ्लोर में केवल रामंक कथा रामंक गाथा रामंक चरित्र को उपस्थापन करें कहीपर जो प्रथम फ्लोर रो रामलाला भव्य राम मंदिर जो प्रथम फ्लोर रवल राम को उत्सर्गित हो गुड़ मंडप आप देखिपे कारुकार्य मैंने जो कारीगर मैंने से निखुण कारीगरी देखा राति दिन एक कार्य कर सैट्रे जो रही जो दुई सैट्रे उभय पार्श्व जो स्थान आप देखते सी होती प्रार्थना कीर्तन मंडप जो श्रद्धा मैंने आसवे जो भक्त मैंने आसवे राम नवमी हो कि राम अन्न्य जो वर्ष तमाम जो कार्यक्रम रोतर जो भक्त मैंने आसवे जो श्रद्धा मैंने आसवे विभिन्न प्रांत जो आसवे से मूर्धंग आनी जो वाद्यजंत्र आठ से व्यवहार करें कीर्तन करेंगे रामलालांकर भजन कीर्तन करेंगे कहीं राम नाम रे जो रस रही राम रस को से पान करेंगे तेणु राम राम सत्य है जो गोटे श्लोक रही हरि नाम सत्य है तेणु से भजन कीर्तन करेंगे। ये हूँ गुड़ मंडप शेष गेट ये जो जो साधारण भक्त मैंने आसवे से पर्यंत ही से परमिशन रही ये रामलालांकर जो गर्भगृह रही ये हूँ साधारण भक्त मानी एंडिंग पॉइंट या परे आउ कौन लोकं भर को अनुमति रही केवल जो पंडित मान रे केवल जो पूजारी मान रे केवल भितर रे से गोटे काठ लगे जमी जगन्नाथ मंदिर में
କାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେମିତି କାଠ ରହିବ, ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ କାହାରିକୁ ଅନୁମତି ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭାବେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗର୍ଭଗୃହର ଚିତ୍ର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗେଟ୍ ରହିବ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଗେଟ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଇ ପରଦା ପଛରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଦିନ ତମାମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାପନ ହେବ। ୟା ଭିତରକୁ କେବଳ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜାରୀମାନେ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅନୁମତି ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହର କାନ୍ଥର ଚିତ୍ର, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦି ଯେଉଁ କହିବି, ଲୁହା ଲାଗିଛି, ପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେଉଁ କଳାକୃତି ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରୁ କାରିଗରମାନେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଛା ବଛା କାରିଗରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭଗୃହର କାନ୍ଥର ଚିତ୍ରରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗର୍ଭଗୃହର ଭିତରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସରିଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗର୍ଭଗୃହ, ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ୁଛି, ଧ୍ୱଜା ଫରଫର ଉଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଇଏ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜା ହିଁ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ସାରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଇଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗର୍ଭଗୃହର ଚିତ୍ର, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ ଏହି ଜାଗାରେ ଭୂମିପୂଜନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରହିବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, ତାକୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର। ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।